दिन कैसा रहा बेटा? अच्छा था मॉम। वेलकम भाई। क्या चल रहा है? कुछ खास नहीं, पढ़ाई कर रही थी बस। हाँ, बस कैमल ही है जिसने नाश्ता नहीं किया है। जाओ अपने भाई के लिए चाय लेकर आओ, जाओ। नहीं, मुझे नहीं पीनी है। पापा, इस फोन की जो बैटरी है ना, वो काफी चलती है। एक बार आप चार्ज करेंगे ना, तो ये पूरा दिन चलती है। कैसे हो बेटा? आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है, पूरा दिन चलेगी। हाँ, वैसे है कितने का? ज्यादा महंगा नहीं है और ये काफी किफायती भी है पापा। जब आपको इसका बिल आएगा ना, तो आपको पता चलेगा कि मैं बिल्कुल गलत नहीं कह रहा था, और फिर आप मेरा शुक्रिया अदा करेंगे पापा। क्या कहते हैं आप? क्या चल रहा है भाई? और मैं कह रहा हूँ, इसकी जरूरत नहीं, ये अभी बिल्कुल ठीक है। फिर क्यों फालतू में इस पर पैसा खर्च करें हम? पापा, क्या मैं ये अपने लिए कह रहा हूँ? क्या मैं मेरे लिए नहीं, मैं दुकान के लिए कह रहा हूँ। और मैं घंटों से आपके इसके बारे में बता रहा हूँ पापा, आपको समझ में नहीं आ रहा कि मैं आपको क्या बता रहा हूँ। मुझे देखने दो। क्या ये लेटेस्ट एडिशन है? हाँ, अच्छे दिख रहा है और चलते भी अच्छे हैं। भाई ने कहा ना कि ये बहुत ही किफायती भी है। हाँ बिल्कुल, मैं वही कह रहा हूँ। ये किफायती ही नहीं बल्कि मुनाफा भी होगा हमें इससे। इससे हमें और कस्टमर्स मिलेंगे पापा, और मुझे ये लगता है कि हमें सीट्स भी लेनी चाहिए। इससे हम और भी कस्टमर्स को अट्रैक्ट कर पाएंगे पापा। आपको क्या लगता है? अगर ऐसा है तो दुकान ही बदल देते हैं। आप कुछ भी समझना ही नहीं चाहते पापा। मुझे पता है कि क्या करना है। हम पुराने फैशन के हो चुके हैं। जवान लोग बस देखते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। आसपास कितने अमीर लोग रहते हैं, उन्हें तो पड़ी नहीं इस चीज की। हम बस पुराने तरीके से ही चल रहे हैं। मुझे इस सब की जरूरत नहीं, मेरे पास काफी कस्टमर्स हैं। अब इस बारे में और बात नहीं होगी। अगर केमाल ये आपसे बात करता तो आप जरूर मान लेते। अगर केमाल कहता तो साथ में इसका हल भी बताता वो मुझे। ये सब कैसे खरीदोगे तुम? डैड, भाई की बात सुनिए। इसे सिर्फ नए तरीके लाने हैं जिसकी कोई जरूरत नहीं। ये सब चीजें बहुत महंगी हैं। ऐसा मत कहिए डैड, वो अपने काम को आगे बढ़ाने के लिए कुछ करना चाहते हैं। क्या आपको ये बात दिख नहीं रही है डैड? और साथ ही वो आपके सामने खुद को साबित करना चाहते हैं। उन्हें एक मौका तो दीजिए, ऐसे मना मत कीजिए। तुमने सही कहा, तो फिर रुको, मुझे सोचने का वक्त दो। थैंक यू बेटा, थैंक यू। भाई, यहाँ आ जाओ और अपनी चाय पी लो। ये लो, कितने दिन से हमने ठीक से बात ही नहीं की है। सुनिए ना, वो सभी को मेरे से शिकायत है, तो आओ और मिलकर गिले शिकवा दूर कर दो। अपनों से कैसी नाराजगी? तुम वो सब कैसे ठीक करोगे? हाँ, वैसे अगर तुम इस घर में जो भी कहते हो वो मान लिया जाता है, पर जब मैं कुछ कहता हूं तो मुझसे सवाल किए जाते हैं। मुझ पर कभी भी कोई भरोसा नहीं करता। आप में और मुझ में कोई फर्क नहीं किया जाता, हम सब एक जैसे ही हैं, हम भाई बहन हैं। अब मैं आ गया हूं ना, मुझसे जो बन पड़ेगा मैं करूंगा। हम सब मिलकर हमारी फैमिली की परेशानी को दूर कर देंगे। तो तुम्हें याद है कि हम एक परिवार है। देखो कमाल, जब तुम यहां नहीं थे तो मुझसे जो बन पड़ा मैंने ये परिवार के लिए किया, ठीक है? तो वापस आने की बात तो मुझसे करना ही मत। तू मैं इन्हें अमीर तो नहीं बना पाया, पर हर दिन मैंने खून पसीना एक करके दुकान को संभाला है। ये बहुत बड़ी बात है। तुम्हारे यहां रहने की जरूरत नहीं है, दिखावा करने की जरूरत नहीं है। बस बहुत हो गया। मुझे जो तुमसे कहना था वो मैंने कह दिया। अब आगे तुम खुद ही समझदार हो कि क्या करना है।